पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सरपंच गण एवं ग्राम पंचायत सचिवों के लिए प्रभावी एवं जवाबदेह पंचायतों पर 3 दिवसीय नवाचारी मॉडल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन माननीय केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2016 दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान नेतृत्व कौशल, स्थानीय विकास के लिए क्षमता, लोगों की भागीदारी, जल संरक्षण, स्थानीय पहलों के लिए पहुंच, सरकार की योजनाएं, अभिसरण, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई शासन, श्रेष्ठ कार्य, रोकड़ रहित डिजिटल लेन देन के लाभ आदि पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों की क्षमता में वृद्धि करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच नेतृत्व और जवाबदेही को बढ़ावा देना, सरपंचों के बीच अपने अनुभवों को साझा करना और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली पर ज्ञान साझा करना। इस 3 दिवसीय समारोह के दौरान सरपंचों को उन्मुखीकरण प्रदान करने के लिए 8 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। नेतृत्व और अभिप्रेरण, ग्राम पंचायत विकास योजना और महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, लिंग संवर्धन, पंचायत और ई शासन के लिए वित्तीय प्रबंधन, कम कैश लेन देन और डिजिटल भुगतान, सतत विकास लक्ष्य और केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के कर कमलों द्वारा किया गया और उनके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय सचिव पंचायती राज श्री जे एस माथुर जी, अवर सचिव ए के गोयल जी, NIRD के महानिदेशक श्री W आर रेड्डी आदि भी उपस्थित रहे। 8 राज्यों से पधारे 1000 सरपंच गणों के लिए आयोजित ये अनूठी और अभिनव पहल पहली बार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई। इस तरह का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई और पुष्प कुंज देकर विभिन्न राज्यों से पधारे सरपंचों ने उपस्थित अतिथि गणों का स्वागत किया। हर्ष के इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी व्यक्त की कि केंद्रीय स्तर पर ऐसा आयोजन पहली बार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सहभागिता वाले स्थानीय प्रशासन पर गहरी आस्था व्यक्त की और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था सदैव से ही देश का अटूट अंग रही है, जिसमें उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए पंच देवता की व्यवस्था का जिक्र किया। पंचायत की व्यवस्था यह हमारे संस्कार में बसी हुई व्यवस्था है। जब देश आजाद नहीं था, जब हमारा अपना संविधान नहीं था, जब पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे, उस जमाने में भी हमारे पूर्वजों ने इस व्यवस्था को कायम भी किया और सिर्फ कायम ही नहीं किया, उस जमाने में संविधान नहीं होने के बावजूद भी पंच में परमेश्वर का वास है और पंच का निर्णय परमेश्वर का निर्णय है, इस धारणा से यह हिंदुस्तान चलता रहा। वह भी एक समय था जब पंच इकट्ठा होकर दूर दूर तक जाते थे और किसी भी विवाद को सुलझाने में जो निर्णय दे देते थे वह निर्णय मान लिया जाता था, लोग थाना अदालतों का सहारा नहीं लेते थे। जब देश आजाद हुआ तो यह व्यवस्था अस्तित्व में आनी चाहिए और अस्तित्व में आते आते भी एक लंबा कालखंड लगा। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में ढांचागत व्यवस्था की दृष्टि से, संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से, निर्वाचन की व्यवस्था की दृष्टि से, फंडिंग की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश के विकास का एक सशक्त माध्यम है। राज्य मंत्री पंचायती राज श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपने विचार रखते हुए कहा कि सरपंचों और सचिवों के लिए आयोजित ये विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूती देगा। वर्तमान सरकार का ये लक्ष्य है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करें और गांव इसका एकम होने के नाते वहीं से शुरू हो। आप 3 दिन के लिए यहाँ आए हैं और सरकार के और हमारे विभाग ने मिलकर बहुत ही अच्छा सुरुचिपूर्ण, जैसे भोजन में हम कहते हैं ना सुरुचि भोजन करना है, ऐसे आपको यहाँ
बोर ना होना पड़े और आपको इंटरेस्ट आपका बढ़े और आपकी जानकारी बढ़े, आपके खुद के काम में इनकी उपयोगिता बढ़े, ऐसे जो कार्यक्रम बनाया है उसमें न सिर्फ आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो मगर आप मन से भी उसमें उपस्थित रहें और पूरे कार्यकाल के दरमियान इस पूरी कार्यशाला में मन से हिस्सा ले, यहाँ से सीख के जाए और उनका बेनिफिट आपके गांव को, आपकी जनता को इनसे मिले और इसके जरिए देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में आपकी भागीदारी बढ़े। सरपंच गणों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के इस अवसर पर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर से चुने गए 17 सरपंचों का चयन किया गया। इस अवसर पर ऐसे सरपंचों को उनकी पंचायतों में किए गए विकास कार्यों और सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए उनके योगदान को न सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय सचिव पंचायती राज श्री जेएस माथुर जी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी साझा किया। पंचायती राज संस्थाएं क्योंकि हमारे शासन की नींव है, उनको किस तरह से सक्रिय बनाना है, किस तरह से आपकी भागीदारी को बढ़ाना है उसको सुनिश्चित करना है और आप ग्राम विकास में कैसे अपना योगदान दे सकें इसके बारे में समय समय पर आपसी विचार विमर्श करना, चर्चा करना, जानकारी लेना, ये हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी कई ऐसी पंचायतों के सरपंचगणों से, पंचायत सचिवों से रूबरू होंगे जिन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन काम किए हैं, जिन्होंने अपनी पंचायतों की, अपने क्षेत्र की कायाकल्प कर दिया है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी हम किसी जिम्मेदारी के ओहदे पर आसन्न होते हैं उसका हम निर्वहन कैसे कर सकें। आप सभी में इस बात का एक बहुत बड़ा जज्बा होगा कि इस पद पर आने के बाद आप अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने ग्रामवासियों को क्या दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये एक मॉडल विकसित माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है कि कैसे सभी जो आवश्यक पहलू होते हैं, जो हमारे ग्राम सरपंचों, पंचगणों और पंचायत सचिवों को जानकारी में होने चाहिए, उनके कैसे मॉड्यूल तैयार किए जाएं, कैसे कैप्सूल बने, किस प्रकार से उन्हें हम आप तक पहुंचाएं और उससे लाभ लेते हुए आप अपने ग्राम के विकास में उन चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकें। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन के पश्चात प्रथम तकनीकी सत्र का आरंभ हुआ जिसका विषय था नेतृत्व एवं अभिप्रेरण। इस प्रथम सत्र में 5 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र में प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा ने विभिन्न बिंदुओं पर बात की। आप हमारे सरपंच, आपको अपना विकास करिए, गांव का विकास करिए, सबका विकास करिए और ऐसी छाप छोड़िए कि लोग दिन पर्यंत आपको याद रखें और आपका रास्ता प्रशस्त होगा गांव से, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला, केंद्र तक। काम करेंगे, सफल होंगे। धन्यवाद। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों से आए सरपंचों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों को सभी के साथ साझा किया जिसमें उत्तर प्रदेश की भटियाना ग्राम पंचायत से आई सरपंच MS मधु ने खुले में शौच से अपनी पंचायत को मुक्त कराने को लेकर किए गए प्रयासों को सभी के साथ साझा किया। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समझाना कि खुले में शौच नहीं जाना है, ये काफ़ी मुश्किल कार्यक्रम था। बालहट प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के द्वारा, रैली के द्वारा मैंने अपने गांव को बहुत जल्द ODF कराया और 92 शौचालय का निर्माण गांव में करवाया। गांव के लोगों को समझा करके अभी हमारे यहाँ करवा चौथ पूजन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। उसमें जो पत्नियाँ होती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, हमने उनसे कहा एक संकल्प लो और उन अपने पति से कहो कि हमारे लिए एक शौचालय का निर्माण करें। अभी इसमें संकल्प लिया और शौचालय का निर्माण कराया। इसी तरह सकारी यातन ग्राम पंचायत झारखंड से पधारे श्री भूषण बरहा और नमन तोपाना ने भी
अपनी पंचायत में किए उत्कृष्ट कार्यों का अनुभव सभी के साथ बांटा। समारोह में नीति आयोग से पधारे संयुक्त सचिव श्री विक्रम सिंह गौड़ जी ने डिजिटल भुगतान पर विस्तृत प्रस्तुति दी और कैशलेस भुगतानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और डिजिटल लेन देन के लाभों को उजागर किया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह नकद निकासी से डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित है। 95% घरों में परिवार में एक न एक मोबाइल जरूर उपलब्ध हो चुका है। तो जो मोबाइल हर घर में उपलब्ध हो चुका है, वस्तुतः वही हमारे लिए पेमेंट लेने पेमेंट देने का एक बहुत बड़ा बटुआ है, बहुत बड़ा साधन है। उसको हमारे को बैंक अकाउंट से जोड़ना है और उसके माध्यम से जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम किसी को संदेश देते हैं, उसी तरह की प्रक्रियाओं से हम पैसे का भुगतान दे भी सकते हैं और भुगतान प्राप्त भी कर सकते हैं। दूसरा तकनीकी सत्र, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम और महिलाओं का सशक्तिकरण। इस सत्र का आरंभ हुआ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से, जिसमें विकास के मुद्दों पर जोर दिया गया। लोगों की भागीदारी, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। साथ ही राजस्व के स्रोत सुनिश्चित करने के तरीकों पर बात की गई। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका पर एक सत्र में प्रोफेसर अलका शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन प्रमुख बिंदुओं पर बात की। समारोह को कई रंगों से रंगने का कार्य किया सांस्कृतिक कार्यक्रम ने, जिसमें विभिन्न राज्यों के नृत्य प्रस्तुत किए गए। इसमें खास था गुजराती गरबा, कालबेलिया नृत्य राजस्थान से आई टीम ने प्रस्तुत किया, तो वहीं हरियाणा से पधारे रंगारंग कर्मियों ने भाग और घूमर नृत्य प्रस्तुत किया और पंजाब की शान दिखाई। पंजाब से आई टीम ने भांगड़ा और जिंदुआ की प्रस्तुति कर। दूसरे दिन के आयोजन में न केवल सरपंच गणों ने बल्कि सचिव गणों ने भी विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे, जैसे पंचायत में वित्त और उसका प्रबंधन, गांव में संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है, पंचायत लेखा कैसे किया जाता है आदि। इतना ही नहीं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के महत्व को भी इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान समझाया गया और देश भर से आए प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आए श्री केबी सिंह ने, जिन्होंने कुपोषण, महिलाओं और बाल स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आए श्री अरुण श्रीवास्तव जी ने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़े बिंदुओं पर विचार रखे, तो साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में भी विस्तार से बताया। जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए श्री एस के सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक ने जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही जल संरक्षण के मुद्दे पर बल दिया। साथ ही उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन के कई तरीकों के बारे में भी बात की। कार्यक्रम के तीसरे दिन वास्तविक जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। सरकार और विभिन्न संगठनों और शैक्षिक संस्थानों के व्यक्तियों और प्रतिनिधियों द्वारा अपना अनुभव साझा किया गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और कई अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों ने मंच पर उपस्थित होकर अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही इंटरैक्टिव सत्र में भविष्य के लिए सुझाव भी तैयार किए गए। तीसरे व अंतिम दिन समापन समारोह हुआ, जो केंद्रीय मंत्री जी के भाषण और विचारों के साथ संपन्न हुआ। 8 राज्यों से आए सरपंच गण और सचिव गण इन 3 दिनों में नई सोच को पैदा कर, नए विचारों को मन में रखकर और अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर एक नई ऊर्जा के साथ लौट गए। इस आशा के साथ कि अगले वर्ष नई उपलब्धियों के साथ एक बार फिर वो इसी मंच पर लौटेंगे।